हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक ऑलिव ऑयल का, जो कि सोल फ्लावर कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव करियर ऑयल। प्योर एंड नेचुरल है। ये विटामिन ई के साथ आता है। मैंने इसका 225 ml वाला बॉटल खरीदा है, जो कि 350 rupees का आता है, बट मैंने नायका से इसे 263 rupees में परचेज किया था। ये हेयर और स्किन दोनों के लिए है। ये आपके स्किन और हेयर्स को अच्छी तरह से हाइड्रेट करता है, और ये ऑल स्किन टाइप्स और ऑल हेयर टाइप्स के लिए है। तो ऑलिव ऑयल को हम जैतून का तेल भी कहते हैं। ये वाला ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसे यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल खोज रहे हो और मतलब जैतून का तेल आप चाहते हो ख़रीदना, तो आप एक बार सोल फ्लावर का ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं इसके इस ऑलिव ऑयल में कुछ रोजमेरी के कुछ बूंदे डाल करके यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑयल है। ये आपके हेयर्स को ग्रोथ में सॉफ्टर, साइनर और हेल्दी बनाता है। ऑलिव ऑयल को और हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेकअप को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नेल्स को शाइनी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके लिप्स क्रैक हो गए हैं और थोड़े डार्क है, तो आप 2 से 3 महीने ऑलिव ऑयल हर मतलब नाइट में एक बार यूज लगा करके ऑलिव ऑयल को लिप्स में छोड़ देना। आप 2 से 3 महीने में देखोगे कि आपके लिप्स के कलर थोड़े लाइट हुए हैं। मैंने ये ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैतून का तेल इसलिए भी यूज़ करते हैं। तो इस जैतून का तेल ओवरऑल मतलब कि एक बॉटल में आपको इतना चीज़ मिल जाएगा, नेल्स के लिए हो जाएगा, लिप्स के लिए हो जाएगा, स्किन के लिए हो जाएगा और हेयर्स के लिए हो जाएगा। इसलिए जैतून का तेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी सेल्फ लाइफ 2 सालों के लिए है, और ये 2 साल तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका यूजेस है। खैर, बॉटल अच्छा है, 225 ml का है और सिंपल पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। और हाँ, फ्रेगरेंस की मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रेगरेंस बहुत मैटर करता है, जैसे कि मेरे करता है। तो इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, और अगर कुछ है भी तो एकदम लाइट सा स्मेल है, जो कि नाक के बराबर है। तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑयल में बहुत गंदा स्मेल होता है, मुझे खुद भी बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, रोजमेरी ऑयल अगर आप इसमें ऐड करते हो तो उसकी कुछ स्मेल है, लेकिन जो भी अच्छा स्मेल है चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एक बार। अगर ऑलिव ऑयल चाह रहे हो ख़रीदना, तो इसको ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको हेयर्स के लिए यूज़ करती हूँ, और विंटर में मैं अपने फेस पे भी अप्लाई करती हूँ। ये मेरा सेकेंड परचेस है। सेकेंड परचेस क्या है, मतलब नया बॉटल है। इसके पहले भी मैंने इस बॉटल ऑलिव ऑयल को बहुत बार ट्राई किया। ये वाला ऑलिव ऑयल इतना अच्छा है कि हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अगर ऑलिव ऑयल ख़रीदना है तो एक बार इसको ट्राई करना तो बनता है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।